पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूं। कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? अनगिनत। अनगिनत, जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह ना? उसी तरह। मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं। एक ही बाण से? हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बाण से जिस प्रकार मैंने पेड़ के विभिन्न पत्तों को अपना निशाना बनाया है, उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। परंतु विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में क्यों पड़ गए? अरे, तुम्हारी यह महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है। चिंता का कारण? हाँ, आपकी चिंता का कारण? यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिम्बा ने बचपन से मुझे यही शिक्षा दी है। चाहे वो अत्याचारी हो? हाँ। चाहे वो अन्यायी हो? हाँ। और चाहे वो अधर्मी हो? हाँ। परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ये आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता।
जाइए जाइए ब्राह्मण देवता, आपके पांचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे? आप तो एक निहत्ते ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह हठधर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूं। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरिक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? हाँ, कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन पांचों पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरिक, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं पांचों पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। बर्बरिक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था। हां प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के वेश में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से यह विद्या प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से ही मेरे मन में फल फूल रही थी। जानता हूं, बचपन में तुम्हारी दादी मां हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बर्बरिक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिल गई ना प्रभु?
प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परमधाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स। प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे।